सही कर पाएंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको 70 में से पूछाएगा, यह मैं गारंटी करने का सोचूंगा, लेकिन आप लोग इस 70 को पहले तो आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूरी तरह से गारंटी पक्का बनने वाले, ठीक है। तो ये सारे कुछ नियम चलते हैं, इसी को हम स्किप करते हैं, फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो देख पाऊंगे, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित की गया। काफी अच्छी जो है आप लोग को तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए आप लोग को मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे, ठीक है। और इस खुशी में आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करें, देखिए कह रहे हैं कि हल्दिया जो पतासर है, हल्दिया पतासर वो कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन यहां पे बी होगा, लौह अयस्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखा हम लोग का कि मणिकरण है, मणिकरण जो है वो क्या है, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा आपका ऑप्शन में यहां पे सी होगा, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो है कहां पे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन है पोर्ट सहित जो किस जलमार्ग पर स्थित है, देखिए यहां पे फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में यहां पे डी होगा, स्वेज नगर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का है, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, देखिए यहां पे ध्यान से उपशाखा कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन की बात करेंगे आपका जलवायु विज्ञान जो कि मानव भूगोल की उपशाखा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि नरोड़ा नाभिक ऊर्जा जो परियोजना कहाँ है, नरोड़ा नाभिक ऊर्जा जो परियोजना कहाँ पे है, सेवन क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कर कौन रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन कर रहा क्या क्वेश्चन नंबर एट का बिल्कुल ऑप्शन ए होना चाहिए महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का है कि मीटर गज रेल जो है पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, देखिए क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते रहना, अच्छी तरह से ध्यान दे जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस का है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर दस का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह का है कि इनमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है, ग्यारह क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा इस्पात का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बारह का है कि जनांकीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में क्या होता है, तो अंतिम अवस्था में जो होता है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पर निम्न होती है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग को कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों में 83 दिनों से काम कम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे बी होगा, यानी सीमांत श्रमिक कहेंगे उसको, क्या कहेंगे सीमांत श्रमिक। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को 14 का है कि इनमें से कौन अपकर्षक कारक है, अपकर्षक कारक पता आप सभी को, अपकर्षक यानी अपने फायदा के लिए जो हम लोग जो स्थान को परिवर्तन करते हैं, तो शहरीकरण अपने फायदा के लिए, औद्योगिकरण अपने फायदा के लिए, तृतीय कार्यों में प्रमुख था इसमें भी फायदे के लिए, यानी ऑप्शन सूचना डी होगा, जब किसी मजबूरी में उस स्थान को छोड़ते उसको हम प्रति कर सकते हैं, ये सारी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 करके मानव विकास सूचांक का मान जो होता है कितना होता है, वो 0 से 0.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती विटी कल्चर कहलाती है, ऑप्शन सूचना का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करके सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे जो आपका सरकार का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको एक 11 नंबर क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन मिस्टेक आप लोग मिस्टेक से हम ऑप्शन में यहाँ पे सी बता दिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेगा, मैंने आप लोगों मिस्टेक से यहाँ पे जो है आपको सी बता दिया था, ठीक है। तो याद रखिए इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो चीन जो है कृषि आधारित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सर क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है कहाँ पे, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जापान, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वर्ण कॉलर जो है, स्वर्ण कॉलर संबंधित वो किससे है, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी तीर्थ क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरोप में, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वेस्ट फेलिया किस देश में स्थित है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे जर्मनी का होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि और क्या कहते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो वो कहाँ पे, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, यूरोप में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 23 का निम्न में कौन जो परिवहन का साधन नहीं है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, उपग्रह जो है परिवहन का साधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे हम क्या कह रहे हैं कि नम बिंदु बस्ती जो है किस क्षेत्र में विशेषता है, किस क्षेत्र में विशेषता है, 24 का आपका आंसर जो है आपका बर्फीली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, देखिए यहाँ पे 25 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी जगह ऑस्टिक ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट अगर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन में भाखरा नगर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन है ए जगह सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 27 नंबर गोदावरी बेसिन जो कहाँ है, गोदावरी बेसिन कहाँ पे, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन का इनमें कौन जो है खनन नगर नहीं, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है खनन नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 29 करेक्ट कि झील के सहारे किसी प्रतिरूप के अधिवास पाया था, काफी जो है झील जो था गोलाकार था यानी वहाँ पे जो बस्ती का वृत्ताकार बनेगा, ऑप्शन सुनना बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करेंगे कि पहाड़ों पर कौन सा अधिवास पाया था, वो सीढ़ीनुमा पाया था, सबको बताना चाहिए पहाड़ जो क्या ढालनुमा होता है जिसमें सीढ़ीनुमा जरूरी है, तो यानी सीढ़ीनुमा जो बस्ती पाती है या अधिवास पाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग को कि भारत में वर्ग एक के शहर नगर जनसंख्या जो होती है कितनी होती है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 1 लाख हो गया 10 लाख, इसमें कन्फ्यूज हो रहा है मेरे आपको, भारत में एक वर्ग एक से ऑप्शन में यहाँ पे ए ही होना चाहिए क्या बोलते हम लोग। चलो क्वेश्चन कह रहा हूँ कि कोयला एक पर जो है, अच्छा कोयला नहीं, यहाँ पे कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी जो है हरियाणा में, ऑप्शन सुनना बी करेक्ट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन आगे करेक्ट हम लोग को इनमें कौन जो एक प्राचीन नगर, ध्यान देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा नालंदा जो एक प्राचीन नगर है सबको बताना चाहिए। चला देते हैं सुन कह हम लोग को इनमें से कौन जो है शुष्क कृषि से संबंधित है, देखिए शुष्क हो जाएगा आपका गन्ना, ऑप्शन सुन का सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से शुष्क कृषि से संबंधित है, शुष्क मतलब सूखा होता है, शुष्क मतलब सूखा गन्ना नहीं होगा आपका, यहाँ पे बाजरा हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट, ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा बाजरा। ठीक है शुष्क कृषि से संबंधित क्या होगा बाजरा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ऑपरेशन फ्लड जो संबंध है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा दूध से क्या होगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिंचाई का साधन जो है, सिंचाई का साधन क्या है, देखिए यहाँ पे भारत में सिंचाई का साधन 36 नंबर क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में डी होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कहा कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है, तो यहाँ पे वितरण गुणवत्ता सभी है, ऑप्शन क्वेश्चन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र बताना आपको 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे झारखंड कर्नाटक, कर्नाटक होना चाहिए आपका। ठीक है झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाता है लेकिन लौह अयस्क मुख्य जो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी जो है। चलिए आगे क्वेश्चन करें कि मोनाजाइट जो पाया जाता है वो कहाँ किस पाया था, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन में जाएगा केरल में पाया था, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे करें हम लोग क्या कह रहे हैं कि लांबा जो संबंधित हो किससे, लांबा 40 नंबर क्वेश्चन का आपका जाएगा वो भूत अभी ऊर्जा से, ऑप्शन सुनगा सी करेक्ट आगे। 41 नंबर कोयला जो मिलता है कोयला कहाँ पर मिलता है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झाड़िया में, कहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन कहा कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम यहाँ पे उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट होगा 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है कि इनमें से कौन जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र उपशाखा है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल जो कि सामाजिक भूगोल से रिलेट करता है। ठीक है याद रखेंगे क्वेश्चन आगे अगर हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा कब से कब, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1950 से 1960, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष जो है 7 बिलियन हो गई, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2020 जो है बिलियन हो गई, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या बोलते हो ए हो जाएगा ए होना चाहिए। चला देखते हैं क्वेश्चन कराया कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, यहाँ पे 46 का आपका होना चाहिए क्या अंतिम अवस्था, जापान होना चाहिए, क्या बोलते हो जापान होगा क्या, जापान या बांग्लादेश है अंतिम अवस्था, ऑप्शन डी। चले आगे आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कन्फ्यूज हो रहा तो। क्वेश्चन कराया कि ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है बताएंगे, 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में ए त्रिभुजा कर, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कराया कि इनमें से कौन जो विद्वान मानव विकास सूचकांक संबंधित है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन का इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चले आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 48 का इनमें सभी होगा हॉलबर्ट एलन सी सैंपल, इनमें से कौन विद्वान मानव भूगोल से योजना, यहाँ पे ऑप्शन ए लगना चाहिए मैं खास लेकिन शायद इनमें सभी तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे यहाँ पे ए होगा या फिर डी होगा, ए तो 100% है लेकिन आप यहाँ पे दोनों में जो कन्फ्यूज हो रहा है कि मानव पूछ रहा है पे विद्वान मानव विकास के बारे में दिया है तो मानव विकास में, चलिए आप लोग बताएंगे 48 का क्या होगा। चलिए आदित्य क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन जो चालवासी पशुचरण से संबंधित है, 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है चलिए याद रखेंगे आगे देखते क्वेश्चन कह रहा हूँ इनमें जो कौन जो व्यापारिक जो है अन्य कृषि से संबंधित है, 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इनमें जो कौन जो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा ऊन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इनमें इन कोयला क्षेत्रों में कौन जो जर्मनी में है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा रूर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को इनमें कौन जो तृतीय सेवा नहीं है, तृतीय सेवा बता रहा है ऑप्शन डी होगा नीति निर्धारण जो कि तृतीय सेवा नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत सड़कों का संबंध जो है किससे, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा हूँ कि
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रूस में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कहा गया कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया था, देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा मुक्त व्यापार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आया कि लोएस्ट जो मैदान में किस प्रकार का घर पाया था, देखिए इस तरह के मैदान में जो गुफानुमा घर पाया था, ऑप्शन सुनना बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन कहा इनमें जो कौन नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर कैनरा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमको क्या करा कि जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है किससे होता है, 59 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा जनसंख्या एवं क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी जो है कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा 69% जाना चाहिए। क्या बोलते हम लोग चलाइए, तो क्वेश्चन करा कि भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार में कि प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, 61 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन करा कि इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है, पश्चिम भारत की बात कही तो 62 का आपका हो जाएगा राजकोट जो कि पश्चिम भारत में अवस्थित है। चला देते क्वेश्चन क्या कर लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क जो किस भूमि उपयोग सॉरी सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा गैर कृषि भूमि कृषिगत भूमि उपयोग। चला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग, कौन राज्य जो सूर्यमुखी का अग्रणीय उत्पादन है, देखिए 64 का आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें जो कौन जल संभरण जो है प्रबंध से संबंधित है, 65 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरवली जल संसद, अरवली जन संसद। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा हम लोग कि बराक नदी जो है, बराक नदी बेसिन कहाँ है, देखिए 66 का आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 11% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन जो खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाना चाहिए, 1 मिनट सी ऑप्शन नंबर ए एन सी ऑप्शन नंबर ANGC। चलिए क्वेश्चन आया कि भरमौर जिला जो है वो भरमौर जिला आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन कि भील जनजाति जो मुख्यतः केंद्रित है, देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी झाबुआ जिला में। तो ऑप्शन इस तरह का हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर, अगर आप लोग इस 70 क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट किया तो मैं गारंटी करता हूँ इस 70 में आप लोग को जो 35 क्वेश्चन आप लोग इजीली एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है और बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर जरूर पढ़ना है, अगर आप लोग वायरल पेपर पढ़ ले तो आपको कहते हैं 100% आप लोग स्कोर कर पाएंगे। ठीक है तो मैं उस पेपर का आप लोग को वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो वीडियो भी आ जाएगी, लेकिन आप लोग बता दें एडवांस में इसको वायरल पेपर को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करना, तो सबसे पहले आप लोग को जाना है गूगल पे या फिर किसी ब्राउजर पर। ठीक है मैं आप लोग लेकर चलता हूँ, जैसे हम करता हूँ सब लोग देखना है। जैसे आप गूगल पे आएंगे यहाँ पे आपको VVI क्वेश्चन टाइप करना है, कीबोर्ड में क्या टाइप करना है VVI क्वेश्चन, जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जो आएगा, देखिए यहाँ पे ब्लू क्या कहते हैं रेड यानी पिंक कलर का आपको लोगो दिखेगा VQ का और VVIQuestion.in रहेगा www.VVIQuestion.in, इसको ध्यान से देखना और इसमें आप लोग क्लिक करना। ठीक है जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है कि अगर नेट स्पीड हो जल्दी खुल जाएगा, अगर नेट अगर स्पीड नहीं है तो फिर आपका जो है वो लेट अगर थोड़ा मतलब ले सकता है, वैसे आप लोग खुल जाएंगे जल्दी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना, थोड़ा सा नीचे जाना है, देखा देना आपको स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को मतलब गलती नहीं करना। ठीक है यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नीचे क्लिक करें। ठीक है ये चीज लिखा हुआ है तो सिंपली आप लोग को एक बार नीचे जरूर क्लिक करना, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग को शो हो करेगा तो इसमें आप लोग को सबको एक बार जरूर क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक जरूर करना तभी आप लोग को यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है तो आप लोग एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे फिर आपको पीछे के बटन दबाना है, बैक आ जाना। ठीक है बैक जानते ना मैं पीछे दाना, फिर आपको जैसे बैक आएंगे तो फिर उसी पेज में लिखा जाएगा और आपको नीचे आना, ये सब लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक है BSV वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोग यहाँ पे जो वहाँ पे आप क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपको BSV वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड वाला लिंक है ये खुल जाएगा और सिंपली आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना। ठीक है जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो खोल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी करें तो जो भी चाहे आप लोग खोल लेंगे इसको एक बार, उसके बाद आपको नीचे आ जाना। ठीक है ध्यान देंगे सारे स्टेप को फॉलो करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना। ठीक है नेट स्पीड जल्दी रहेगा तो आप जल्दी खुल जाएगा, अगर नेट स्पीड नहीं है तो थोड़ा आपको मतलब वेट भी करवा सकता है। ठीक है नीचे आ जाना आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे वायरल क्वेश्चन ज्योग्राफी का हमने क्लिक किया तो मतलब ढूंढना है तो जहाँ हिंदी वगैरह का सबका दिया हुआ है आपको ज्योग्राफी ढूंढना नीचे में देखने का, आप लोग को नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी दिया आप लोगों को बिहार बोर्ड ज्योग्राफी वायरल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 ऑल सेट, देखिए यहाँ पे सेट बाय सेट हम लोग सारे सेट को जो है कवर कर दिया, आप लोग को सिंपली जिस भी सेट का पढ़ाई करना है आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बस इस वायरल सेट को कर लेते हो तो आपका 100% जो आपको 100 में 100 जो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे, यानी 70% मतलब 100% कर पाएंगे, यानी 70 में 35 बना तो 35 का 35 आप लोग इजीली बना के आ पाएंगे अगर आप लोग सारे वायरल सेट को एक बार देख लेते नजर में तो। ठीक है तो चलिए ये तक वीडियो को आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे, मिलते के लिए नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।